रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। अरे जो सरकार निकम्मी है हमसे जो टकराएगा 5 साल पछताएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद धूप का नारा लगाने वाला महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। राजधानी में हड़ताल करने वाले साथी जिंदाबाद। वीडियो बनाने वाली महिला साथी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के जिला तहसील विकास खंडों में सामूहिक अवकाश लेकर के महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान प्रदान करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। प्रदेश में 102% आंदोलन सफल है। 102% इसलिए कि 100% सरकारी कर्मचारी जिसको महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता चाहिए, जिसको हर महीने 4-5 हज़ार की क्षति हो रही है, वो आंदोलन तो कर ही रहे। नगर निगम रायपुर और रविशंकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी आज आंदोलन में शामिल है। कुल मिलाकर के मंत्रालय में बैठे हुए IAS अधिकारी अपना महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से देय तिथि से ही लिए, बकायदा 3% बढ़ाए और एरियाज भी नगद प्राप्त किए। और वही अधिकारी जब हम लोग के लिए फाइल लिखते हैं तो मेरे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को जिनको 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता मिलना था उसको 1 मई 2022 से दे करके 28 महीने का एरियाज खा लिए। भारत का संविधान कहता है इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, लेकिन छत्तीसगढ़ में समता के आंगन में जो विषमता के बीज बोए जा रहे हैं उसका परिणाम है कि पूरे प्रदेश के कर्मचारी उद्वेलित हैं। मैं तो आरोप लगाता हूं कि मंत्रालय के अधिकारी एक साजिश के तहत हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करने के लिए कर्मचारी को प्रेरित कर रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं। इसीलिए वो हमको हमारी मांगों पर न चर्चा करते न मांग पूरा करते हैं। केंद्र के समान जो महंगाई भत्ता है वो राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। केंद्र में अभी 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, राज्य सरकार में 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसी प्रकार केंद्र में 20% अभी गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है और राज्य में 10% गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। तो ये दो प्रमुख मांग को लेकर के, महंगाई तो सबके लिए बराबर है, हम लोगों को भी केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता दे, हम लोगों को गृह भाड़ा भत्ता 20% केंद्र के समान दे। क्यों भाई, सबके लिए आलू एक ही भाव है, किसी के लिए 20 रुपये किसी के लिए 10 रुपये तो नहीं है। राज्य में जो असमानता है महंगाई भत्ता में, IAS अफसरों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, बिजली विभाग के कर्मचारियों को 32% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जब क्रय शक्ति एक है विक्रय शक्ति एक है तो महंगाई भत्ता अलग अलग क्यों? इसलिए सबको एक समान महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। फेडरेशन के बैनर तले कलम रख मसाल उठा आंदोलन के द्वितीय चरण में आज पूरे प्रदेश के 4,97,385 कर्मचारी सामूहिक अवकाश का आवेदन अपने विभाग प्रमुख को दे करके पूरे जिले में आज रैली निकाल करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन दिया कि हमको महंगाई भत्ता दे दो। मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री दोनों को महंगाई भत्ता की मांग देने के बाद यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए हम सब बाध्य होंगे।